कल शाम को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लाइन बाबा शाह मजार के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति जीआरपी इलाहाबाद की टीम को देखे थे। कोई चेकिंग टीम थी जो नॉर्मल रोज़ाना रूटीन चेकिंग करती है, तो उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी में से नशीले इंजेक्शंस मिले, सीरिंजेस मिली, कुछ मोबाइल्स मिले, तो कुल मिला के 3 संदिग्ध प्रतीत हुए। उसमें एक का नाम प्रवीण कुमार सबरवाल, एक सूफी खान और एक प्रदीप कुमार वर्मा है। जब इनको बुला बैठा के कायदे से पूछताछ की गई तो पता लगा प्रदीप कुमार वर्मा बेसिकली ठेला वेला लगाता है और वो मोबाइल चोरी करने में सिद्धहस्त है। वो रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में लोगों के मोबाइल छीनता है या चोरी करता है और उसको नशे की आदत है। वो इंजेक्शंस दिन में 2 लेता है और उसके लिए एक दवा की दुकान है सरस्वती मेडिकल्स, जिसके ओनर का नाम है प्रवीण सबरवाल। वहाँ जाता है, वहाँ वो मोबाइल देता है, उसके एवज में उसको मिलता है ये नशीला इंजेक्शन जिसको वो रेगुलर लेता है। और उसने बताया इस तरह के बहुत लोग हैं जो बेसिकली चोरी कर छोटी मोटी चोरियां करते हैं और नशे की आदत की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, और सप्लायर प्रवीण कुमार सबरवाल हैं। इनके साथ एक सूफी खान भी मिला। बेसिकली सूफी खान की दुकान है मोबाइल्स की और ये भी चोरी के मोबाइल्स लेता है, चोरी के मोबाइल्स, चोरी की घड़ियाँ, कैमरे, इस तरह जो ट्रेन के यात्रियों से छिनैती या चोरी होती है वो चीज़ें ये बेचता है, यानी चोरी का माल बेचने का काम करता है। तो बेसिकली पूरी चीज़ से ये बात प्रकाश में आई कि नशे के आदती व्यक्तियों को बहुत ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जो नशे का सामान सप्लाई कर रहे हैं। उसमें से सरस्वती मेडिकल स्टोर एक है जिसके ओनर को हमने पकड़ा है। इसके घर की भी तलाशी हुई झूसी में, दुकान की भी हुई, जहां तमाम नशीले